हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लुधियाना ब्लॉगर नीति। तो गाइज, आप लोगों को पंजीरे की रेसिपी जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर करी थी, वो आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तिल के लड्डू की रेसिपी, जो आटे से बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, गर्म करने के बाद तिल को मैं इसको भून रही हूँ। तो बस ये हल्के ब्राउन होने तक के लिए मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो आज मैं तिल के लड्डू की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और याद रखिए कि गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ये तिल मेरे भून चुके थे ब्राउन होने के बाद, मैं इसको अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी ताकि ठंडे हो जाए, मुझे इसको ग्राइंड करने हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खसखस जो है वो भी आपको मार्केट में आराम ईजिली मिल जाएगी। तो बस इसको भी हल्का ब्राउन होने के बाद, ये मेरे हो गए थे, तो मैं इसको भी निकाल दूँगी अलग बर्तन में। इसके बाद मैं अब फ्राई करने वाली हूँ मखाने। तो मखाने के लिए यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ करूँगी। ये आधा किलो मतलब घी आराम से हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक खुला घी मंगवाया था, पिनियों में हमारे करीब डेढ़ किलो पंजीरी में डेढ़ किलो घी लगा था देसी घी, और यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही लगा है। और यहाँ पे मैं घी पर गार लूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद मुझे मखाने फ्राई करने हैं। आप चाहे तो इसमें सब कुछ डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, बादाम अगर फ्राई करके डालने फ्राई करके भी डाल सकते हो, या ऐसे भी पीस सकते हो, या खुद से भी काट सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं मखाने फ्राई कर लूँगी। तो बस ये मेरे मखाने भी हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। तो मखाने का वो घी जल्दी से सोख लेते हैं। तो बस ये भी मेरे हो चुके हैं मखाने। तो मैं जितने मुझे चाहिए थोड़े थोड़े करके मैं इनको घी से फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद फिर बाकी जो बचे हैं वो भी मैं फ्राई करके रख दूँगी। देन मेरा ये होने के बाद मैं घी और डाल लूँगी, क्योंकि फिर उससे मुझे आटा भूनना है। तो आटे के लिए ये मुझे इतना घी सफिशिएंट है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बाद में और डालूँगी। तो बस ये मुझे आटा डाल लेती हूँ, आटा डाल के मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से गोल्डन सा होने के लिए, ब्राउन होने के लिए। तो गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, अगर ज़्यादा फ्लेम पे रखा है तो नीचे लगने के ज़्यादा चांसेस है, तो आटा कच्चा कच्चा सा रह जाता है, और हमें ये अच्छी तरह से भून देना है। इसके बाद मैं इसमें, अगर मुझे लगा कि मैं और देसी घी डाल लूँ, तो मैं इसमें और अलग से डाल दूँगी, क्योंकि पिनियों में तो घी अच्छा लगता है, जब तक हाथों पे घी ना लगे तब तक पिनियों का मज़ा नहीं आता। तो ये बस मैं अच्छी तरह से इसको सारा कुछ फ्राई कर लूँगी। जब तक ये भी फ्राई करते हो तब तक मेरे वो इंग्रेडिएंट्स ठंडे होके मैंने पीस लिए हैं, और ये मैंने पीस के रखे हुए हैं तिल, मखाने, और इसमें मैं ये डाल देती हूँ, नारियल का बुरादा भी है, तो मैं ये सब कुछ इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने बादाम जो है वो मोटे मोटे ग्राइंड कर लिए हैं, ये देखिए मोटे मोटे ग्राइंड करके ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से हिलाने के बाद, ये जो मैंने ग्राइंड करे हैं, तो मैं बस तिल, मखाने, बादाम, ये सब इसमें डाल देती हूँ। और मुझे और देसी घी की ज़रूरत है तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा रूखा रूखा सा लग रहा था, खाली खाली था, तो मैंने और इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, और ये देखिए बादाम भी मैंने डाल दी है, और मैंने कर दिया गैस बंद, क्योंकि मुझे डालनी है बूरा चीनी। बूरा चीनी डालनी है तो गैस बंद करके ही डालनी चाहिए, नहीं तो उसमें मोटे मोटे से खड़वे से गाँठे बन जाती है, तो टेस्ट नहीं आता, फिर वो अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाता। ये देखिए बूरा चीनी है वो मैंने डाल दी है, तो करीब हाफ के जी मैंने और मंगवाई थी ये। तो बस ये सब कुछ मैं मिक्स कर लेती हूँ तो सारा अच्छी तरह से। तो ये मेरी पिनियों के लिए मिक्सचर जो है इसका रेडी हो चुका है, बस अब पिनियाँ बनाने के लिए रेडी हो गई हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मेरे हो चुके हैं मिक्सचर रेडी। ये देखिए मम्मा ने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हुआ है, और बस बैटर मेरा रेडी हो चुका है पिनियों बनाने के लिए। तो आप भी बनाइए, बहुत इजी रेसिपी है, तो सर्दियों में खाइए और सबको खिलाइए। तो बस ये हो चुका है मेरा रेडी, अब पिनियों बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे मुझे और देसी घी की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने और इसमें डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं पिनियों बनाने शुरू कर दूँगी। तो ये देखिए पिनियाँ कैसी अच्छी तरह से बन रही हैं। जितने मर्जी साइज़ के आप बना सकते हो, तो साथ में मम्मी भी हेल्प करवा रहे हैं। और ये देखिए मेरी पिनियाँ बनके रेडी हो चुकी है, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
ये देखिए पिन्नियाँ बन चुकी है। आप डेकोरेट के लिए ऊपर काजू भी लगा सकते हो। तो बताइएगा कि कैसी लगी है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब के लिए बाय बाय।